नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नाव हीरा शेख, हीरा गोल्ड के सभी डिस्ट्रीब्यूटर इन दिनों काफी परेशान है, पेमेंट को लेके जो है काफी परेशान है। हीरा गोल्ड की पेमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि हीरा गोल्ड ने आज सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी है। आपकी नाव हीरा शेख आपा ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर तक पैगाम भेजा है कि वो बहुत से जल्द आप लोगों की पेमेंट जारी करेगी। जो पेमेंट के अंदर जो देरी हो रही है उसकी वजह से वो आप सभी से माफी चाहती है और आप लोगों के लिए वो इज्जत दे सकती है। और यहाँ तक कि जो एक औरत का सबसे बड़ी चीज होती है उसको दांव पे लगा दिया आपकी नाव हीरा शेख ने। आज नाव हीरा शेख ने कहा कि अगर पेमेंट नहीं आई तो वो अपनी इज्जत दे देगी, और उन्होंने ऐसी बात कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर ने जो विश्वास बनाए रखा उन डिस्ट्रीब्यूटर का धन्यवाद करना चाहती है और दुश्मनों को काफी बड़ा पैगाम देना चाहते हैं कि हीरा गोल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर कमजोर नहीं है, हीरा गोल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर कमजोर नहीं है, नाजुक नहीं है। हीरा गोल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर को आपने संदेश दिया कि आप थोड़ा शांति से काम लें, धैर्य से काम लें, आप लोगों की पेमेंट है, आप लोगों की तो पे आउट है, आप लोगों का जो पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, आप लोगों को पैसा जरूर मिलेगा। और दुश्मनों की जो बोलती नाव हीरा शेख आपा बहुत जल्द बंद करने वाली है, इसके लिए उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लेके ये सबसे बड़ी बात कही है कि उनकी इज्जत दांव पे लगी है। तो आप लोग तो थोड़ा सहयोग कीजिए क्योंकि कानूनी मसला है, कानूनी मसला सहयोग करने में थोड़ा टाइम लगता है, हीरा गोल्ड कंपनी चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। नाव हीरा शेख का कहना है कि उन्होंने कभी गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो है काफी बड़े काम किए हैं, गरीबों बेरोजगारों का पैसा खाने की उन्होंने कभी नहीं सोची है। जो बेरोजगारों के उत्थान के लिए जो उन्होंने बेरोजगारों को दिया है वो काफी काबिल तारीफ है। आप क्या सोचते हैं नाव हीरा शेख के इस बयान के बारे में, जो हमारी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।